जब हमारी किडनी बुरी तरह से खराब होती है तो हमारा शरीर उसे खराब होने से पहले ये संकेत दे देता है। जान ले पहचान ले, कहीं देर न हो जाए, कहीं आपका शरीर भी तो ये संकेत नहीं दे रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ है। दोस्तों, किडनी का काम मुख्य रूप से शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। ये यूरिया, क्रिएटिनिन, एसिड जैसे नाइट्रोजुक्त वेस्ट मटेरियल से ब्लड को फिल्टर करती है। लेकिन जब चोट, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या किसी कारण से किडनी डैमेज हो जाती है तो ये शरीर से विषाक्त पदार्थों को फिल्टर नहीं कर पाती और इसमें टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। किडनी खराब होने के लक्षण इतने मामूली होते हैं जिसे आप शुरुआत में समझ नहीं पाते। जानिए किन लक्षणों को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। किडनी के कई रोग बहुत ही गंभीर होते हैं और यदि उनका समय पर इलाज ना किया जाए तो उपचार बहुत ही बुरा हो जाता है। विकासशील देशों में उच्च लागत, संभावित समस्याओं और उपलब्धता की कमी के कारण किडनी फेलियर के पीड़ित 5-10% मरीज ही किडनी ट्रांसप्लांट करवा पाते हैं, बाकी सभी मरीजों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। इसलिए आप इसके लक्षणों को जरूर जान लें, कहीं आपका शरीर भी तो ये संकेत नहीं दे रहा। इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। नंबर एक, दोस्तों शरीर में विषाक्त पदार्थों और वेस्ट का संचय भी आपकी भूख को कम कर सकता है, इससे वजन घटने लगता है। कम भूख का एक अन्य कारण सुबह जल्दी मतली या उल्टी का भी हो सकता है। इस कारण व्यक्ति को हर समय पेट भरा हुआ महसूस होता है और कुछ खाने का मन नहीं करता। ये किडनी खराब होने का खतरनाक संकेत है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। नंबर दो, दोस्तों किडनी खराब होने के लक्षण में उच्च रक्तचाप भी शामिल है। जिस व्यक्ति का किडनी ठीक ढंग से काम नहीं करता उसे उच्च रक्तचाप की शिकायत हो जाती है। आपको बता दें कि अगर हाई ब्लड प्रेशर 30 साल से कम उम्र के व्यक्ति को हो या अधिक हो तो समझ जाना चाहिए कि ये किडनी खराब होने की पहचान है। नंबर तीन, दोस्तों किडनी शरीर से अपशिष्ट और अतिरिक्त सोडियम को फिल्टर करने में मदद करती है। जब किडनी ठीक से काम करना बंद कर देती है तो शरीर से सोडियम जमा होने लगता है जिससे पिंडलियों और टखनों में सूजन बढ़ जाती है। इस स्थिति को एडिमा कहते हैं। वैसे तो टॉक्सिक किडनी में आंखों और चेहरों में सूजन देखकर जानी जा सकती है, लेकिन इसके लक्षण सबसे ज्यादा हाथ, पैर और टखनों को प्रभावित करते हैं। नंबर चार, दोस्तों पेशाब में दिक्कत होना किडनी खराब होने के लक्षण में से सबसे जरूरी संकेत है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो रहा है तो सबसे पहले पेशाब में ही बदलाव नजर आता है। इस दौरान रोगी के पेशाब का रंग बदल जाता है और पेशाब की मात्रा में भी कमी आती है। इसके अलावा अधिक पेशाब आना, पेशाब में जलन होना, पेशाब में खून या पस का आना और पेशाब का पूरी तरह से रुक जाना भी किडनी खराब होने का लक्षण है। नंबर पाँच, दोस्तों त्वचा में रूखापन और खुजली भी किडनी डिसऑर्डर का मुख्य संकेत है। ऐसा तब होता है जब किडनी शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सक्षम नहीं होती, तब ये विषाक्त पदार्थ ब्लड में जमा होने लगता है जिससे त्वचा में खुजली, सूखेपन के साथ दुर्गंध भी आ सकती है।